जी तैयबा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी जी, आपने अभी तक, आपको जो टास्क मिला था उसमें आपको जी कुछ सर। ब्रीफ किया गया था, या आपने जो अभी तक पढ़ा है इसके बारे में उसके अंदर जी कोई जी मजीद कोई चीज को क्लैरिफाई करना है तो बताइए। जी सर, अभी तक सब चीजें क्लियर हैं। आप टॉपिक कंटिन्यू करें आगे। जी देखें, इसमें ना अगला अगली जो बात आपसे वो जो पता होनी चाहिए वो वेपराइजर के बारे में। तो वेपराइजर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? एनीवन? बेसिकली डिफरेंट टाइप के वेपराइजर थे जो हिस्टोरिकली जो है वो आप को जो है वो उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो एक होता है वेरिएबल बाईपास होता है कि एक फ्लो आ रहा होगा और वो उसके अंदर जितना जितना आप डायल खोलेंगे उतना उतना उसमें से वेपराइजिंग चैम्बर से गुजरेगा और वहां पर वेपर्स उसमें से बन रहे होंगे, और वेपर्स किस तरह बन रहे होंगे अकॉर्डिंग टू इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है, और जब वो फ्लो आएगा जितना ज्यादा फ्लो आएगा वो उतना फ्लो उसको लेके और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में वेपराइजेशन का प्रिंसिपल है। ये किस तरीके से वेपराइजर काम करता है, इनकी इसकी सिर्फ एक्सेप्शन है, एक है। वो कौन सा वेपराइजर होता है जो डिफरेंट होता है? टेक सिक्स सर, टेक सिक्स। तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें बेसिकली क्योंकि उसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसका मेरे ख्याल 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट? ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक। तो वो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली उसको वो आप जो है ना उसमें हीटिंग सिस्टम होता है जो वेपर, यहाँ पर डिफरेंट होता है कि इसके अंदर गैस गुजर के लेके नहीं जा रही होती, यानी कि आप समझ लेंगे वो दूसरा जो सिस्टम है उसमें एक आ रहा है रहनुमा और उसको पकड़ के ऊपर नीचे से लेके जा रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे वो आजाद है। वो जितना आप डायल खोलेंगे वो उतने ज्यादा वेपर बेसिकली बन के हीटिंग से वो वेपर बन के और वो उसमें शामिल हो रहे होंगे। तो ये टेक सिक्स का बेसिक जो प्रिंसिपल है सिंपल वर्ड्स में वो ये होता है। ठीक है, लेकिन अच्छा फिर उसके बाद इसमें तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो शायद अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, इसलिए अगर किसी को उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है। एक होता है उसमें टिपिंग हैजर्ड, ठीक है, एक उसमें होता है टिपिंग हैजर्ड। कोई एक्सप्लेन कर सकता है टिपिंग हैजर्ड क्या होता है? अजहर आप कुछ हेल्प करो भाई। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है ना, अगर वो कहीं हिल जाता है या उल्टा हो जाता है वेपोराइजर, तो वंस वी यूज इट तो एक्स्ट्रा जो है ना वो वेपर जो है ना वो आ सकते हैं सर, एक्स्ट्रा जो है ना ज्यादा आ सकते हैं ऑन तो सेटिंग डेंसिटी से। बेसिकली मतलब इस बात का मकसद मतलब ये है कि इस हिसाब से आपको इसमें जो कुछ मॉडर्न वेपराइजर होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम होता है कि वो उसको इसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, इसको कम टिपिंग हैजर्ड को वो उसके अंदर सेफ्टी सिस्टम होता है जिससे वो टिपिंग हैजर्ड को कंपनसेट करते हैं। दूसरी किस्म एक और क्या चीज होती है, टेम्परेचर कंपनसेशन। तो टेम्परेचर कंपेंसेशन कैसे होती है? सर हाई एल्टीट्यूड पे भी वो कांस्टेंट जो है ना वो वेपराइजर नहीं, रहेगा सर। वो हाई एल्टीट्यूड वाला डिफरेंट है, टेम्परेचर का क्या किस तरीके से होता है? बेसिकली वहां पे ना बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है, जो टेम्परेचर जब बढ़ रहा होता है तो वो उस हिसाब से वो वो उतनी फैल जाएगी या उतनी सुगड़ जाएगी, उससे वो उसके फ्लो को कंट्रोल रखेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ भी जाए या टेम्परेचर कम भी हो जाए तो वो एक कांस्टेंट फ्लो जा रहा होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और कुछ और सेफ्टी फीचर्स होते हैं, इसमें भी कलर कोडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जो है जो उसकी फिलिंग का होता है वो बॉटल के साथ उसका एक फिलर होता है जो कि कलर, वो भी कलर कोडेड होता है।
तो उसमें मिक्सिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन एक और आता है कि भाई अगर आपने इंटरलिंक मतलब लाइक ये कि अगर आपने सीवोफ्लोरिन के वेपराइजर में आपने अगर आइसोफ्लोरिन डाल दी है तो क्या होगा? वेपर प्रेशर का इसकी प्रिंसिपल है तो मतलब बेसिकली अगर सीवोफ्लोरिन का वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम होता है, ठीक है, तो सीवोफ्लोरिन के वेपर में वेपराइजर में अगर आप ऐसी डाल देंगे कि जो जिसका ज्यादा है वेपर प्रेशर, तो उसके डायल पे क्या इफेक्ट होगा? अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने उसको 2 पे खोला है तो वो ज्यादा जा रही होगी या कम जा रही होगी? तो ज्यादा जाएगी, ज्यादा जाएगी, ठीक है। और अगर आपने उसके अंदर आइसोफ्लोरिन के अंदर आपने सीवोफ्लोरिन डाल दिए तो क्या होगा? सर अगर कम है तो फिर कम जाएगी, कम वेपर प्रेशर वाले अगर ऐड करेंगे तो कम जाएगी जी, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये है, और इसके अंदर क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ आइसोफ्लोरिन एंड हेलोथेन रिलेटिवली नियर होता है 240 होता है 244 होता है, तो बेसिकली अगर उसके अंदर इंटरचेंज आप कर भी दें तो वो उस पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें मैंने आपको एक फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये टॉपिक को मैंने इस वक्त प्रिपेयर नहीं किया हुआ, जो मुझे जबानी याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन मैं आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है। तो वेपराइजेशन जो वो तो आपने डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनके बारे में एक दो वर्ड बता दें, कॉपर कैटल और जो बॉयल्स बॉटल होती है वो अब तो ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल पर्पस में आप उसमें बता दें जो मॉडर्न होती है। फिर एक उसमें एक होता है कैसेट्स होते हैं, ठीक है, वो एलाडीन कैसेट्स होते हैं, तो वो उनके अंदर मतलब वो मॉडर्न सिस्टम होता है, वो कैसेट्स की तरह वो इंस्टॉल किए जाते हैं, उनका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। टेक 6 का मैंने आपको बता दिया है, टेक 6 जो वेपराइजर होता है उसके अंदर सिर्फ डेस्फ्लोरिन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ना एक ओवरव्यू दे दिया है एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग आ जाएगी। तो मॉनिटरिंग तो अलग अलग है, मेरा नहीं ख्याल के जो आपकी इवन प्रेजेंटेशन भी जो कही है उसमें वो मॉनिटरिंग के बारे में अलग अलग से नहीं पूछेंगे, उसमें यही होगा कि मॉनिटरिंग का भी पैनल उसमें मौजूद होता है और उसके के अंदर जो बेसिक जो एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग है ना वो भी उसमें डिस्प्ले में आ रही होती है, ठीक है जी सर। थैंक यू सर। तो सर आप प्लीज डॉक्टर यूसुफ मेरे उस्ताद मेरे बहुत आप समझ लेंगे, जब मैंने एनेस्थीसिया स्टार्ट किया था तो सब तब मैंने सर के साथ काम किया, सर मैं तो आपके मौजूदगी में मैं काफी रिलक्टेंट फील कर रहा था सर, फ्यू वर्ड्स प्लीज। सर प्लीज अनम्यूट कर लें सर आप। सर आवाज आ रही है आपको? सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर प्लीज आवाज आ रही है आपको? अब मेरे ख्याल शायद कुछ कम्युनिकेशन एरर है, सर को आवाज़ नहीं जा रही या सर की आवाज़ हमें नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है आवाज़? नो सर। नहीं आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज़ आ रही है, सर की सर ने माइक नहीं अनम्यूट किया हुआ। अच्छा चले सर। अच्छा देखें मैं फिर इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीजन के आपको सेफ्टी सिस्टम और उसका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो डिफरेंट मैंने आपको बता दिया, एक ह्यूमिडिफिकेशन है, एक वेपराइजर है, सक्शन है, सक्शन में कोई खास नहीं है, उसका प्रेशर होता है जनरेट नेगेटिव प्रेशर होता है, वो आपको उसके नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने प्रेशर तक जो है वो सक्शन यूज की जाती है,
ठीक है, उसके बाद स्केमेजिक है, वेपराइजर है, ब्रीदिंग सर्किट्स हैं और मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अगर आपको फिर उसके बाद भी कोई चीज़ समझना है तो यू कैन आस्क। मैं असल में आज ही वापस आया हूँ, तो कहने का मैं आप ये कर दूँ। और इस तरीके से सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी ने भी कोई भी टॉपिक इस तरह डिस्कस करना हो तो जस्ट वॉलंटियर, और इसी बहाने जो है वो सारों का होगा। मैं इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा कि हम तरतीब से एक महीने का टारगेट सेट करें और उसमें सब लोग आप लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये चीज़ देखें, उस वक्त हो सकती है कि आप लोग किताब की पूजा से बाहर निकलें, आप लोग टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करें कि एक टॉपिक में पहले आपको ये पता हो कि इस टॉपिक के टू डू पॉइंट्स क्या हैं, टू डू थिंग्स क्या हैं। क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होंगी तब तक आप उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपको वो चीज़ पता होगी, जैसे आपसे जब मैंने बात की थी तो आपने मुझे क्या कहा कि मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें से पढ़ने की चीज़ क्या है और उसमें से याद करने की चीज़ क्या है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी देखें, आपने वहाँ पर एग्जाम के अंदर या वैसे पे आपको कोई ने किसी ने कोई सबूत ये नहीं देना होता कि मैंने ये किताब पढ़ी है या मैंने। अज़र आप प्लीज़ इसमें करो कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन आपने जब इम्तहान में जो आपने फेस किए हैं, इसमें कौन कौन से आपने क्वेश्चंस को फेस किया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर जीशान? सर जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वेलकम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी ये ठीक ठाक। अच्छा मैंने तो बाद में ज्वाइन किया, पता नहीं आपने क्या कुछ बताया या पढ़ाया। जी सर, तो सेफ्टी फीचर्स मशीन के अगर बच्चों ने पढ़े हैं। जी सर, तो उसमें फ्रॉम द सेंट्रल सप्लाई। जी सर, अगर शुरू करें तो एक डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम आएगा। जी सर, तो वाल के साथ पाइप हमारा प्लग इन होता है कि डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है, ऑक्सीजन नाइट्रस में नहीं जाएगी, नाइट्रस ऑक्सीजन में जाएगी, एयर ऑक्सीजन में नहीं जाएगी, जो भी पाइप होगा, ठीक है। फिर वही पाइप जो मशीन के साथ अटैच होता है तो वहाँ होता है डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम आ गया, फिर आ गया नॉन इंटरचेंजेबल स्क्रू थ्रेड NIST, वो था डिस, फिर आ गया NIST नॉन इंटरचेंजेबल स्क्रू थ्रेड। जो पाइप मशीन के साथ अटैच हो रहा है तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं, उसकी जो थ्रेड होते हैं, वो एक दूसरे पे नहीं फिट आते, उनका थोड़ा डायमीटर का फर्क होता है या उनके जो थ्रेड होते हैं उनका फर्क होता है। दो सिस्टम हो गए। तीसरा आ गया पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, जो हमारा छोटा सिलेंडर लगा होता है तो उसके पिन्स की स्पेसिफिकेशन होती है कि ऑक्सीजन का और होता है, मतलब 1 से 7 तक इनके जो नंबर होते हैं, किसी का 1-3 है, किसी का 1-2 है, किसी का 1-4 है, किसी का 1-6 है, ठीक है। तो वो हो गया पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। उससे आगे चलेंगे तो फिर हमारा जो फ्लो मीटर आएगा उसमें जो ऑक्सीजन की नॉब होगी उसकी टेक्सचर अलग होगी बाकी से, जैसे जो नाइट्रस की है उसकी गोल होती है तो ऑक्सीजन वाली उसकी रिजेज होती हैं, ठीक है। तो जिस वक्त आप ये फ्लो मीटर पढ़ा रहे थे मैंने उस वक्त ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं उस वक्त फारग था तो मैंने देखा तो हो रही है मीटिंग में। जी सर, उसमें जो लो फ्लो पे है उस वक्त जो फ्लो मीटर है दैट विल बी एक्टिंग एज अ ट्यूब, ठीक है। यस, और जब हाई फ्लो पे जाएगा तो वहां इट विल एक्ट लाइक एन ऑरिफिस, ठीक है। तो एक पे विस्कोसिटी जो है वो मैटर करेगी, एक पे डेंसिटी मैटर करेगी, ठीक है ना। बाकी आपने जैसे बताया था कि बॉबिन और बाल का, बॉबिन का अपर हेड होता है, बाल का मिड होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बाकी रह गया, जो आपने वेपराइजर का बताया है तो वेपराइजर में आपने इनको इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है ना वो सेफ्टी फीचर्स में नहीं बताया। जी सर, इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर एक वेपराइजर खुला है तो दूसरा जो है ना उस वक्त नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, बिल्कुल ठीक। तो ये प्रैक्टिकली बच्चे चेक करेंगे तो फिर इनके जहन में ये चीज बैठेगी, तो ये किताब पढ़ने से शायद समझ ना आ सके। बाकी आपने काफी कुछ बताया है,
जी जी सर, थैंक यू सर। असल में बेसिकली मैं इन लोगों को इस सर आपने मेरा जो सर बेसिक पर्पस है ना सर, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर इन लोगों को ना ये एक हमारी जो एक मतलब एक लकीर की फकीर मेंटालिटी है ना, कि बस एक दूसरे को देख के वो भीड़ चाल का जो लफ्ज बना है ना, ये लोग अपनी खुद को दिमाग को नहीं इस्तेमाल करते, उसका नतीजा ये होता है कि ये अपनी सलाहियतों को यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अगर ये अपने ऊपर ट्रस्ट करके चीजों को प्रिपेयर करें सर्च करके, तो इनको अभी से, और खासतौर पर मैं जूनियर्स को यही मैसेज दूंगा कि प्लीज आप लोग अपनी पढ़ने की अप्रोच इस तरीके से चेंज करें कि आप लोग टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। आपको ये पहले पता हो, नो योर एनिमी। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें से टू डू थिंग्स क्या है, राइट सर। बाकी फ्लो मीटर में एक लिंक 25 होता है कि 25% से कम ऑक्सीजन नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये जो पहले वाली मशीनें थी एक्सेल 210 या ऐसी, बल्कि नई जो आ रही हैं उनमें अगर गलती से बंदा ऑक्सीजन बंद करना शुरू कर दे तो नाइट्रस 7 बंद हो जाती है और ऑक्सीजन का फ्लो मीटर जीरो पे कभी नहीं आता। और जिसकी नॉब अक्सर बच्चों की मिस हैंडलिंग की वजह से खराब होती है, वो समझते हैं कि ये अच्छी तरह बंद नहीं हुआ, हालांकि उसमें एंड पे 200 ml फ्लो रहती है। बिल्कुल ठीक। बच्चे उसको जो नए आते हैं जोर से उसको बंद करते रहते हैं और कुछ दिनों में वेल्व खराब कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसमें लिंक 25 जो उसका एक सेफ्टी फीचर है। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। ये तो आजकल तो है ना कि ऐसा है कि लैपटॉप सामने रख के बच्चों को पढ़ाना होता है। जी सर, सर आप बिल्कुल, सर आपसे मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा सर, आप जिस वक्त भी हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि 35 से 45 लीटर पर मिनट जा रहा है। तो अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी कर दिया तो वो तो 1 लीटर से ज्यादा तो उस चला जाएगा। ठीक है ना, आमतौर कभी कभार मैं भी देखता हूँ कि बच्चे वो जो है ना पेशेंट इंटुबेटेड होता है, सर्किट अटैच होता है, तो फिर भी वो कभी कभार ऐसा कर देते हैं। तो जस्ट टू रेज द बेलो ऑफ द वेंटिलेटर, उसमें फिर हम लोग तो कर लेते हैं, हमें पता है कि इस वक्त इंस्पिरेशन हो रही है या एक्सपिरेशन हो रही है। तो अगर ये इंस्पिरेशन में दबा देंगे तो बैरोट्रामा भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम एक्सेसिव वॉल्यूम की वजह से ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा तो ट्रामा हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक सर। बाकी अगर कोई टॉपिक नेक्स्ट होगा तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मेरा एक्चुअली होता है कि मैं शाम 7 बजे से पहले फारग नहीं होता। आज तो लकीली जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स था तो मैं घर बैठा था। बिल्कुल ठीक सर, आपको सर मैं आप इवनिंग में सर आपको इंशाल्लाह सर मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, तो इंशाल्लाह सर आप को बता देंगे सर पहले से। चलें, जज़ाकअल्लाह जी, बाने आपसे बात भी हो गई। चलें ठीक है सर, टेक केयर सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर हमारी खुशकिस्मती है सर इस वक्त ऑन बोर्ड है, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। तैयब आप आपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है, और इस दरमियान में अगर आपको कोई और चीज समझ ना आए तो यू जस्ट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, ओके सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।